हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबकी दिवाली अच्छी हो, सेफ हो। और मैंने अपने न्यू चैनल पर अपना रूम मेकओवर डाल दिया है, तो फटाफट से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब बात करती हूँ अपने मेन चैनल की कि फेस्टिवल्स हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ तो खाओगे खाओगे, मेरे साथ भी है, मैं भी खाऊंगी। तो उसको हमें कैसे बॉडी को डिटॉक्स करना है, कैसे वेट गेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें वेट गेन नहीं होने देना है। अगर हो गया है तो उसे लॉस कैसे करना है। तो अगर इस दीपावली आपने ये यूज कर लिया, आज यूज कर लिया, कल यूज कर लिया, तीन चार दिन सिर्फ अगर आपने यूज कर लिया, तो वेट बिल्कुल गेन नहीं होगा, बॉडी में फैट नहीं होगा, चर्बी नहीं चढ़ेगी और बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स भी होती रहेगी। मीन्स अगर आप दीपावली में कुछ खा भी रहे हैं तो अगर इसको ट्राई किया तो बॉडी फटाफट से डिटॉक्स भी होती रहेगी। तो इस चीज का भी बहुत अच्छा सा ये ड्रिंक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे नए चैनल पर रूम मेकओवर का भी वीडियो आ गया है, तो वो चले चलते हैं वीडियो के लिए। आप कोई भी अट्रैक्टिव सा एक जार ले लीजिए, क्योंकि अट्रैक्टिव सा जार होगा तो मजा आएगी पीने में। और मैं कांच का जार प्रेफर करती हूँ। आप प्लास्टिक का भी ले लो, लेकिन कांच ज़्यादा सेफ है हमारे लिए। इसीलिए मैं देखते होंगे मैं फाइबर या फिर उस तरह के जो बर्तन भी नहीं यूज़ करती हूँ, हमेशा स्टील का बर्तन यूज़ करती हूँ। और कोशिश करिए पीने के लिए आप कांच का यूज़ करिए। और जो भी फ्रूट्स हो आपके पास, कुकुम्बर इस समय गर्मियाँ हैं, काफ़ी सस्ता है। आप हाफ कुकुम्बर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो और इसे डाल दो। और ये हाफ कुकुम्बर आपके दो बार के पानी के लिए होगा। तो मैं इसमें हाफ कुकुम्बर को छोटे छोटे बड़े बड़े पीसेस में मत करिएगा, छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालिएगा। चाहे आपका जो जार का मुँह बड़ा हो, मेरे पास छोटा है, तो मैं छोटे ऐसा नहीं है, बड़ा होता तब भी मैं छोटे कट के डालती, जो उसके एक्सट्रैक्ट हैं ज़्यादा अच्छे से निकल जाते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी काफ़ी सस्ते हैं, तो आप हाफ ऑरेंज ले लो और ऐसे मतलब पूरा एक साथ मत डाल देना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। उसे कट करके बीच से तोड़ के डालना, ताकि उसके जो जूस हैं वो अच्छे से निकल जाए। और मैं इसमें 4-5 to 6 ऑरेंजेस डाल रही हूँ। इसके बाद आप इसमें फ्रेश वाटर भरें, अगर ओरो है ओरो, मिनरल है मिनरल, या फिर आप पानी को बॉयल करके डालें, फ्रेश वाटर इसमें डालें। 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ें, देन इसके बाद आपको इसे पीना है। 2-3 to 4 बार आप इसे पियो, लेकिन ये जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं ये आपकी दो बार में चलेंगी। यानी एक बार इस पूरे वाटर को पी लो, देन उसके बाद फिर इसे बनाओ और फिर पी लो, फिर शाम को आप इसी तरह करो। तो 4 बार आपको इसे पीना है। और इसके बाद मैं बताती हूँ कि दूसरा ड्रिंक क्या प्रेफर करेंगे आप। और सच में बहुत कूलिंग रहेगी बॉडी, स्किन बहुत शाइन करेगी आपकी। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और सच में ये बॉडी पे उतना ही अच्छा इफेक्ट करेगा, उतनी ही ब्यूटीफुल बॉडी आपको देगा। तो इस तरह से 4 बार आपको, यानी कि 1 लीटर तक आपको इसे दिन में लेना ही लेना है। और इसके बाद मैं दूसरा ड्रिंक बताती हूँ कि आपको कौन सा लेना है। ड्रिंक की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी सस्ता है, काफ़ी अच्छा भी है। 1 to 2 टेबल स्पून आपको थिक कर्ड लेना है। अगर नहीं है तो मट्ठा यानी कि बटर मिल्क आप ले लीजिए। उसके बाद आपको 2 टेबल स्पून मतलब लीजिए। और ये आप जैसे जब आप दोपहर 4-5 बजे जब आप टी लेते हो, उससे पहले आप इसे ले सकते हो, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मतलब प्लेन वाटर ना लेके, क्योंकि वो बॉडी में रुकता नहीं है आपकी। इस तरह से वाटर लीजिए, कंज्यूम करिए वाटर को। इसके बाद क्यूमिन सीड यानी जीरे का, भुने हुए जीरे का, मार्केट से नहीं आप ले सकते हो, घर में ही जीरे को भूनिए और उसे पीस के रख लीजिए, वो डालिए। रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक जो हम लोग व्रत में यूज़ करते हैं वो आप प्रेफर करिए। तो इस तरह से, और इसके बाद फिर आप इसमें बॉयल वाटर और या मिनरल वाटर मिला दीजिए, देन आप ये ले लीजिए। ये एक से दो बार इसे भी ले सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग। यही सेम प्रोसेस आप बटर मिल्क में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप प्योर लीजिए, इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। और इस तरह से आप वाटर को कंज्यूम करिए, 3 to 4 लीटर लीजिए। लेकिन प्लेन वाटर मत पीजिएगा हो सके तो, गर्मियाँ हैं, पानी रुकेगा नहीं आपकी बॉडी में। लेकिन अगर आप इस तरह से पानी पियेंगे तो रुकेगा और बॉडी बहुत अच्छे से क्लींस होगी। और सच में अगर इस तरह से आप काम करोगे तो वेट जो है, जो भी आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, बहुत फ्रेश और एनर्जी। कितना आसान, कितना इजी सा ड्रिंक है। तो इसे आप इधर लगातार पीते रहिए, 1 वीक तक पी लीजिए, देखिए ना फैट चढ़ेगा और जिनको चढ़ गया है उनका भी पूरी तरह से बॉडी से निकल जाएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।